जय हिंद टीम ऑप्शन भारत। मैं ओपी सिंह, सीईओ एंड फाउंडर ऑप्शन भारत के तहत प्रत्येक वीडियो के तहत आज मैं किसी एक विशेष विषय के ऊपर बात करूंगा, बड़ा हैरत अंगेज बात करूंगा। आज मेरा चर्चा का विषय है पंपकिन। ये आप देख सकते हैं, इसको कद्दू कोहड़ा के नाम से जाना जाता है। पंपकिन जो है वो मैं आपको बड़े हैरत अंगेज चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि विटामिन डी जो कि सनलाइट में बहुत ही अच्छी तरीके से पाई जाती है, सनलाइट के बाद अगर कोई चीज़ विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है तो है पंपकिन। आप पंपकिन, मैं पंपकिन के जूस के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। अगर हम इसकी नियमित सेवन करते हैं, आधा कप अगर हम पंपकिन के जूस को अगर हम लेते हैं, तो आपको जान के बहुत ही हैरानगी महसूस होगी कि बोन के डेंसिटी को बढ़ाने में यह काम आता है। आपने देखा होगा विटामिन डी के लिए ये चीज़ें बताई जाती हैं कि आप सनलाइट में अपने आप को बॉडी को ऑब्जर्व कराएं, तो आप अगर सनलाइट नहीं दे पा रहे हैं बॉडी को तो यू कैन यूज़ द पंपकिन जूस। और ओमेगा सिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है ये। जो चीज़ें वैसे तो आम तरीके से पेट में कीड़े, पेट के कीड़े मारने के लिए भी हम इसको प्रयोग में लेते हैं, जो पंपकिन है अगर इसका आप आधा कप जूस रोज लगातार आप 13 से 14 दिन अगर प्रयोग करते हैं खाना खाने के पहले, तो आपको ये पेट के कीड़े मारने के काम आएगी। और मैं मेन किसी विषय के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा, और ये इतनी तरीके से काम करती है कि अगर आपके किसी भी तरीके की अल्सर की फॉर्मेशन है तो वो इसके लिए काम कर लेती है। एक बहुत ही अच्छी सी बीमारी है जिसको हम एमसोनिया के नाम से जानते हैं। एमसोनिया एक बीमारी है जो किसी को नींद नहीं आती है। आप नींद ना आने के लिए काफ़ी तरीके के मेडिसिन प्रयोग में लेते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि जिन लोगों को इंसोनिया की प्रॉब्लम है, जिनको नींद नहीं आती या निद्रा की प्रॉब्लम है, वो 10 चम्मच पंपकिन का रस, कद्दू का रस और उसके साथ 3 चम्मच शहद मिलाकर अगर वो सोने के 1 घंटे पहले अगर प्रयोग में लेते हैं लगातार 8-10 दिन, तो उनके ये नींद ना आने वाली जो बीमारी है वो भी इसे चली गई। दिल के दौरे की जिनको चांसेस हैं, देखिए मैं तो कहूँगा कि दिल के दौरे के कोई एज नहीं है, सो यू हैव टू कीप द प्रिजर्वेशन फर्स्ट। आप दिल के दौरों को अगर बचना चाहती हैं तो वीकली, बाई वीकली, जब भी आपको समय लगता है आपका पंपकिन के जूस को जरूर प्रयोग में लें। अब मैं कुछ इस विषय के ऊपर चलना चाहूँगा जिस विषय के ऊपर मैं बताऊँ आपको। एक प्रॉब्लम आज के डेट में बहुत ही आम हो गई है, प्रोस्टेट। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता रहता हूँ कि प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ना आए, किसी को रुक रुक के पेशाब आने की एक बीमारी आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुकी है, तो आप उस चीज़ से बचने के लिए, अगर आपको बीमारी नहीं भी है तो मैं आप लोगों को ये राय दूंगा कि आप लोग कद्दू का जूस, वैसे ये बात प्रवृत्ति का माना जाता है, कई लोग कहते हैं कि कद्दू की सब्जियां नहीं खानी चाहिए, हाँ कद्दू की सब्जियों में बात की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आप कद्दू का अगर जूस लेते हैं आधा कप से ज़्यादा नहीं, तो आपको इस तरीके की जो एक यूरिनेटरी जो प्रॉब्लम है, पेशाब रुक रुक के आना, बार बार आना, उसमें आप इसको, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आम तरीके से जो ब्रेस्ट कैंसर है, जहाँ भी प्रोस्टेट की बात आती है, प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये दोनों एक बड़ी सी मारक सी बीमारी और बड़ी कॉमन सी बीमारी है, और इनके दोनों के काउजेस तकरीबन सेम होते हैं। तो मैं उन माता बहनों को भी सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग भी जो थोड़े मोड़े मतलब इसको प्रयोग में लें, अगर इसको भी आप अपने एक हिस्सा बना लें, जूस का हिस्सा बना लें, तो आप इसका बेनिफिट ले सकती हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैं इसके कुछ पंपकिन के सीड के बारे में बताना चाहूँगा। पंपकिन सीड्स, अगर आप पंपकिन आपको नहीं मिलता, अगर आपके पास आज के रेट में कोहड़ा या कोमड़ा अलाउ नहीं है, मिलता है तो आप पंपकिन के सीड को यूज़ कर सकते हैं, और उसमें आग से जलने पर, अगर आग से जल जाए ना तुरंत, कोई बहुत ही मारक अगर बर्न हो जाता है, तो पृथ्वी पे सबसे अच्छी अगर कोई इलाज है बर्न को तुरंत कंट्रोल करना और तुरंत उसको ठंडक पहुंचाना, तो वो पंपकिन के जो तने होते हैं, जो उनके पत्ते होते हैं, पत्तों को अगर आप उसको पीस के उस जगह पे लगाते हैं तो आप इसको बहुत ही जल्दी इसको रिकवरी भी कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपको आराम। अच्छा, जिनकी आई साइट की प्रॉब्लम है, काफ़ी ऐसे हैं जिनको आई साइट की प्रॉब्लम है, आई साइट के लिए पंपकिन का सीड रामबाण साबित हुआ है। मित्रों, मैं
सलाह दूंगा मेरे फॉलोअर्स को जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे मित्रों को, मेरे ग्रुप से जुड़े हुए सारे अभिभावकों को, कि आप लोग पपकिन के सीड को जरूर रखो। वैसे तो घर पे ही जब पपकिन आती है तो उसको डिस्ट्रॉय ना करें, पपकिन के सीड को रख लें और उसी को कूट के एक छोटी सी थोड़े से अजवाइन या थोड़ा सा खट्टा करने के लिए आप उसके अंदर नींबू के रस, थोड़ा सेंधा नमक मिला के उसको एक छोटी सी डिब्बी में कहीं रख लें। और जिनको आँखों की प्रॉब्लम है, आई साइड की प्रॉब्लम है, वो भी इसको। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा, जो पपकिन का सीड है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही तरीके से कंट्रोल करता है। इज़ अ गुड कॉन्टैक्ट ऑफ ए बैड कोलेस्ट्रॉल, इनके ऊपर बड़ी नकेल रखता है। तो बेहतरीन तरीका है कि आप पपकिन सीड को भी प्रिजर्व करके रखें, उसको भी मात्रा में। आप लोगों को ये बता दूँ, पपकिन सीड अगर आप लेते हैं, पपकिन सीड हमेशा 8 से 10 पपकिन सीड को हम लोग आधे कप, आज क्वांटिटी जो है पपकिन सीड की जो क्वांटिटी है, आप अगर एक मुट्ठा पपकिन सीड लेते हैं तो वो 1 लीटर पानी के लिए फायदेमंद है। मैं आप लोगों को एक मेजरमेंट बताऊंगा, 20 दाने 3 चम्मच जूस के बराबर हो, आप उसको कूट कर रखें सिस्टम में, आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं, आई साइड्स के लिए बहुत अच्छा है। और जो मैं बताऊंगा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है मित्रों। जहां कहीं भी कद्दू मिले उसका रस पी लो, अगर कद्दू के बीज मिलते हैं उसको कूट के रख लो, उसको कूट के आप वीकली बाई वीकली इसको प्रयोग में ले सकते हैं। और इसी के तहत आज मैं ऑप्शन भारत के इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि हमेशा कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में रखता रहा हूं, मैं आप लोगों से अनुरोध एवं आग्रह रखूंगा कि आप लोग ऑप्शन भारत को सपोर्ट करें। संपूर्ण भारतवर्ष के 27 राज्यों से चुने गए जो डॉक्टर्स हैं वो इन ऑप्शन भारत के लिए काम कर रहे हैं, और मैं खुद ऑप्शन भारत को हमेशा के लिए आप लोगों के बीच में तत्पर रखता हूं। आप लोग ऑप्शन भारत के साथ जुड़े रहें, जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी आपको ऑप्शन भारत के नाम से जो भी चीज़, आप ऑप्शन भारत या ओपी सिंह के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ आप लोग का हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन, निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें, जय हिंद, वंदे मातरम।